हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेडिको व्लॉग्स में। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जितेंद्र खोलवाल। एंड करेंटली आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम तंजावर मेडिकल कॉलेज, फ्रॉम तंजावर, फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट। एंड आज मैं सब आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूं एंड एक वीडियो बना रहा हूं, और इसमें बताना चाहता हूं अपनी नीट UG लाइफ के बारे में, जो 2017 और 2018 के बीच में थी और 2016 और 17 के बीच में भी थी। तो ये जो लाइफ होती है नीट UG की, वो यार बहुत ही मेमोरेबल थी। चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन अपन को एक चीज़ मिलेगी, वो है मेमोरीज। चलो कहाँ से शुरुआत करूँ, मेरे जीवन में बताने के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक किस्सा सुनाता हूँ जो आपको भी आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि बताता है कि हाउ टू मैनेज टाइम इन योर नीट UG। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ द एनी एग्ज़ाम। एंड तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, 2016 में मैंने 12th पास करी थी, जो कि श्री विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोईमीना, मेरे यहाँ बाड़मेर गांव से थी, वहाँ से मैंने 12th पास करी थी। और 12th पास करने ही के बाद ही मैं जोधपुर चला गया था, ना ही फाउंडेशन कोर्स के लफड़े में था, ना ही, क्योंकि उसके पहले मेरे को बारे में इसके बारे में पता ही नहीं था। जस्ट ये था कि घर में सब ने मैथमेटिक ले रखी थी, तो मुझे बायोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया कि चलो सब लोग मैथमेटिक में हैं, तो चलो मैं थोड़ा बहुत बायोलॉजी फील्ड और स्ट्रीम में जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर चला गया मुँह उठा के, जोधपुर आ गया। फिर जोधपुर आया तो चलो कोचिंग ज्वाइन की, IIT अकेडमी, मेडिकल अकेडमी। वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद फिर थोड़ा बहुत दिन गए, तो थोड़ा बहुत नया कुछ सीखने को मिला। फिर थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ यार, ये तो वही 11th और 12th में हमने जो पढ़ा है वही है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई, तो पता चला कि हाँ यार, जो हमने जो पढ़ा था वो तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि स्कूल लाइफ में अपन सब कुछ जो है वो अलग, सब कुछ जो है वो अलग पढ़ते हैं, अपन सिर्फ रट्टा मारो जो चीज़ होती है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब रट्टा मारो चीज़ नहीं थी, यहाँ पे उस क्वेश्चन को समझने की बारी थी। तो फिर आ गए, चलो दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। फिर फिजिक्स भी पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, बायोलॉजी भी पढ़ी थी। बट अगर आप नीट UG में आते हो, तो ज़्यादातर जो प्रीवियस जो बच्चे करके जाते हैं, या जिसके उसके साथ अगर अपन मिलते हैं, तो वो यही बताते हैं कि अपन को सबसे पहले बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी पे आते हैं। फिर केमिस्ट्री को करना है, फिर फिजिक्स को करना है, तो वो एक मानसिकता बनती गई। तो सबसे ज़्यादा जोर मैं बायोलॉजी पे देने लगा, और फिर बाद में केमिस्ट्री पे, फिर बाद में फिजिक्स का टाइम मिल जाता, तो क्योंकि वो थोड़ा बहुत मेरे, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए वो अटके थी, क्योंकि फिजिक्स मेरे से नहीं हो पाती थी, ऐसा है, सही बात बता दूँ। फिर ऐसा करते गए, ऐसा करते गए। फिर 2016 के बाद 2017 आ गया, एग्ज़ाम पास आने लगे, तो फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री को भी जोर देने लगा, थोड़ा थोड़ा बायो मतलब फिजिक्स को भी थोड़ा थोड़ा देखता गया, क्योंकि एग्ज़ाम भाई नज़दीक आते हैं तो कुछ भी हो जाता है, ऐसा है। फिर जब एग्ज़ाम की बारी आई, जोधपुर ही सेंटर आया था, तो जोधपुर सेंटर आया था मेरा, तो एग्ज़ाम दे रहा था। तो सबसे पहले वही होता है, सबसे पहले बायोलॉजी अटेंड करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री अटेंड करते हैं, उसके बाद फिजिक्स अटेंड करते हैं। तो फिर मैं लग गया बायोलॉजी में करने, धीरे धीरे कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, और खुश भी हो रहा हूँ कि यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन मेरे वो दिमाग में क्या है, टाइम मैनेजमेंट का, मेरे चाहे स्कूल लाइफ में हो चाहे नीट, मेरे टाइम मैनेजमेंट मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता है। मैं क्या वो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना खो जाता हूँ कि मेरे वो टाइम में भूल जाता हूँ। तो जब मैंने वो बायोलॉजी फिनिश की, तो बायोलॉजी फिनिश की, तो जब 1 आवर एंड 45 मिनट और अराउंड 2 आवर्स आई थिंक मैंने उस बायोलॉजी में कंप्लीट करने में लगा दिया था, लगभग मैक्सिमम आई थिंक 1 मतलब 1 घंटा और 45 मिनट आई थिंक मैंने उसमें लगा दिया था। फिर बाद में मैं जो OMR शीट फिल करने में लगा दिया टाइम, 10 मिनट उसमें लग गए। फिर जब केमिस्ट्री की बारी आई, तो मैंने जब तक टाइम देखा नहीं था, मैं करता गया करता गया। फिर मैंने केमिस्ट्री की बारी, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैंने OMR भी भर दी ऐसे करके। फिर जब मैंने टाइम देखा, तो मेरे पास बचे थे 15 मिनट्स ओनली, एंड सामने थी इतनी बड़ी ह्यूज फिजिक्स। अब मैं 5 मिनट तो मेरे को उसमें लगा दिए कि मैं अब इसको हैंडल कैसे करूं।
और एकदम घबरा गया था उस टाइम कि यार करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने 10 मिनट में पेपर को लिया और पीछे से स्टार्ट किया। सब लोग आई थिंक आगे से स्टार्ट करते हैं 1 से 45, मैंने पीछे से किया। क्यों 45? क्योंकि वहाँ से थोड़े बहुत ईजी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो अर्धचालक वगैरह सेमी कंडक्टर वाले क्वेश्चन होता है ना गेट वगैरह के, तो मैंने सोचा ईजी होंगे तो वो थोड़े बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे तो वो जल्दी कर देंगे। तो फिर मैंने वो क्वेश्चन मतलब उस पेपर के अंदर ही जो होते हैं ना क्वेश्चन पेपर देते हैं, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मैं क्वेश्चन सोल्व करने लग गया। क्वेश्चन सोल्व किए मैंने लगभग 6 या 7 क्वेश्चन सोल्व किए, तो तभी टाइम हो गया ओवर और मेरा OMR भरना बाकी रहा। तभी इन्वेलिजेटर आया और उसने वो OMR सीट ले ली। मेरे को तो वो भरनी पड़ी थी OMR तो पूरी मेरे को। तो फिर क्या हुआ, फिर जो होना था वो पेपर चला गया, OMR हो गई थी, आई थिंक सबमिट भी हो गई थी। फिर जब बारी आई रिजल्ट की, जब सबसे पहले वो रिलीज करते हैं ना CBSE वाले OMR सीट देखी, घर वाले का ये क्या है 45 के 45 क्वेश्चन ब्लैंक। मैंने ना ही OMR फिल की थी, कुछ नहीं फिल किया था, अब करूँ क्या। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिजिक्स में 12 मार्क्स आ रखे थे, वो आई थिंक बोनस के होंगे। तब तो मैंने जरा कुछ तो लाज रखी यार इस रिजल्ट ने CBSE वालों ने, नहीं तो 0 नंबर अंडा आता है यार, उससे तो अच्छा है कि 12 मार्क्स अच्छे ही है ना यार। फिर थोड़ा बहुत गिल्टी फील होना स्टार्ट हुआ कि यार कुछ पढ़ भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ थोड़ा बहुत पढ़ना भी रहता है। बट सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी थी कि टाइम मैनेजमेंट। मैं आप भी आपको यहाँ मतलब एक तरह का फ़ोटो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, मेरे जो OMR सीट है ना 12th 17th में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसकी भी मैं शेयर कर दूंगा ठीक है आपको। बस यही बताना चाहता हूँ कि मतलब टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेना यार। फिर 2018 में तो कोई ना कोचिंग गया नहीं था, वही लाइब्रेरी में पढ़ के नोट्स पढ़े थे बने हुए, वही पढ़ पढ़ के सिलेक्शन निकाल दिया। और तंजौर मेडिकल, अभी करंटली तंजौर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में MBBS चल रही है, फाइनल ईयर का अभी एग्ज़ाम दे दिए हैं, अभी हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा पास हो गए तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है और फिर वही MBBS अपनी कंप्लीट। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, एंड ये करना सीख लो, पढ़े तो सभी करते हैं।